नमस्कार दोस्तों एंड मई डियर फ्रेंड्स मैं हूं आपके तिरुपति सर तिरुपति सर्स बॉलॉजी सो यस्टरडे आई अपलोडेड वन वीडियो ऑन द यूट्यूब दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ माई चैनल तिरुपति सर्स बॉलजी सो इन दिस पैंडमिक सिचुएशन आई हैव डिसाइडेड टू क्रिएट द वीडियोज ऑन द इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ साइंस बॉलजी सिलेबस and to upload it on the youtube so that every student of the 11th and the 12th science they will get benefit of it so before starting my session i would like to tell you that please subscribe my channel tirupati sir biology in the coming days you are going to be get a lot of things from this channel Tirupati sir's biology, especially for the eleventh and twelfth science students. So, please don't forget to subscribe my channel that is Tirupati sir's biology. Okay, so let's starts with the today's session that is bio control agents, and this bio control agents is from the chapter microbes in human welfare. सबसे पहले अपन देखेंगे bio control क्या होता है उसके बाद अपन देखेंगे bio control agents किसको कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स में कुछ माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स करके यूज़ किया जाता है वो कौन कौन से माइक्रोब्स है उसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे उसके बाद अपन देखते हैं कि बायो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं ये भी अपन देखेंगे राइट right? तो स्टार्टिंग विद द बायो कंट्रोल एजेंट्स स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि बायो कंट्रोल एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स दिया है तो सबसे पहले देखते हैं कि बायो कंट्रोल क्या होता है बायो कंट्रोल इसका मतलब होता है कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करके डिजीजेस एंड पेस्ट को कंट्रोल करना पेस्ट मतलब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो डिजीज पैदा करते हैं प्लांट्स में। सो तो कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करना है जिसके थ्रू अपने को डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स एंड पेस्ट इनको मारना है या किल करना है नो बाजिकल मेथड मीन्स वॉट बायोलॉजिकल मेथड्स मीन्स कुछ नेचुरल मेथड्स है जिसमें अपन बायो ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रोब्स यूज करके दूसरे बायो ऑर्गेनिजम्स को या इंसेक्ट्स को मारना होता है उसी को अपन कहते हैं बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल सो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्या दिया है यहाँ पे द नेचुरल मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स पेस्ट एंड अदर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स

उन्हीं एजेंट्स को अपन कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट्स और वी कैन से बायो कंट्रोल एजेंट्स सो इसमें बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं मेनली माइक्रोब्स यूज़ करते हैं सो इन द माइक्रोब्स दैट इंक्लूड बैक्टीरिया फंगा वायरस एंड प्रोटोजोआ ये कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स है जिसको अपन बायो कंट्रोल एजेंट्स करके यूज़ कर सकते हैं सो लेट्स सी कैसे यूज़ कर सकते हैं इनको सो लेट विग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल सो जस्ट आई टोल यू राइट नाउ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल में बैक्टेरिया है फंगाई भी आते हैं प्रोटोजुआ है फंगस है इन सभी चीज़ों को अपन माइक्रोबियल बायो कंट्रोलिंग एजेंट करके यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कुछ बैक्टीरिया और एक फंगस का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है तो देखते हैं कि ये बैक्टीरिया ये कैसे एक्ट करता है इंसेक्ट और इंसेक्ट लार्विक के खिलाफ राइट right? सो so, एक एग्जाम्पल यहां पे दिया है बेसिलस त्यूरजेंसिस बेसिलस त्यूरजेंसिस ये बैक्टीरियल माइक्रोब है जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखता है तो बेसिलस त्यूरजेंसिस को जब वाटर के साथ मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है और जब भी ये स्पोर्स को कोई इंसेक्ट या इंसेक्ट लार्मी इसको खा लेता है तो इंसेक्ट लार्वे के गट से एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको क्राई प्रोटीन कहते हैं और वो क्राई प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और जिसकी वजह से वो लार्वी जो है तुरंत मर जाता है सो जब बेसिलस तिरिंजेंसिस को किस तरह से स्प्रे किया जाता है बेसिलस त्यूरजेंसिस को वाटर के साथ इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं देन उसको प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है

तो इस तरह से बेसिलस जीसिस को माइक्रोबियल बायो कंट्रोलिंग एजेंट करके भी यूज करते हैं राइट नो और एक एग्जाम्पल दिया है ट्राइकोडर्मा स्पेसिस ट्राइकोडर्मा स्पेसिस दिस इज मेनली फंगस दिज आर फ्री लिविंग फंगाई विच फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम ये रूट ये जो फंगा होते हैं ये एक्चुअली रूट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं और जिसको इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स करके यूज करते हैं और इनका काम क्या है कि सॉइल से जो भी सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं तो उन सॉइल बॉर्न पैथोजेंस को मारने की क्षमता इन ट्राइकोडर्मल स्पेसिस में होता है अब ये ट्राइकोडर्मल स्पेसिस क्या रिलीज करता है जिसकी वजह से ये सॉइल बॉर्न फंगल प्लांट पैथोजेंस को मारता है एक्चुअली दिस ट्राइकोडर्मल स्पेसिस विच इज फंगस ये रिलीज करता है कुछ सब्सटेंस को जैसे कि वीरिडिन है ग्लियोटॉक्सिन है एंड ग्लियोवीर है रॉट डिजीज इसका मतलब होता है कि ये जो फंगस है ये कुछ ऐसे सब्सटेंस को बनाता है विरिडिन ग्लियोटॉक्सिन ग्लियोवरिन जो सॉइल बोर्न पैथोजेंस को मारता है और उस प्लांट को वो प्रोटेक्ट करता है राइट right?

बिकॉज इट इज पैथोजेन पैथो मतलब एबनॉर्मल जेन मतलब एजेंट द एजेंट विच विल कॉल एबनॉर्मलिटी इन द अदर होस्ट उसको अपन कहते हैं पैथोजेन तो यहाँ पे बैक्टीरिया को पैथोजन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो होस्ट इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि माइट्स है बीटल्स है मोत्स है फ्लाइज है ग्रॉस ओपर है कैटरपिलर्स है इन सभी के ऊपर वह एक्ट कर सकता है उनको मार सकता है इसलिए बैक्टीरिया फंगाई प्रोटोसुआ वायरस को इसमें क्लासीफाई किया है पैथोजेंस के अंडर में सो so, अपन देखते हैं कि बैक्टेरिया में कौन कौन से एग्जाम्पल है बैक्टीरिया में आते हैं बेसिल्स त्यूरजेंसिस बेसिलस पैपेली बेसिलस लेंटी ये सारे जो बैक्टीरियल पैथोजेंस है ये कैटरपिलर्स कैबेज के ऊपर जो फॉर्म्स रहते हैं उसके ऊपर देन अडल्ट बीटल्स ये सारे इंसेक्ट्स हैं ये सभी इंसेक्ट्स को मारने की क्षमता इस बैक्टीरियल पैथोजन के पास है तो जो नाम मैंने बताया है आपको बैसिलस ट्यंजेंसिस एंड दिस बैसेलेस पैपिली एंड बेचलस लेंटीमॉर्बस ये सभी इस होस्ट इंसेट के अगेंस्ट में वो लड़ते हैं और वो प्लांट होस्ट प्लांट को होस्ट प्लांट में डिजीज होने से बचाते हैं वैसे यहाँ पे फंगाई दिया है फंगाई में कुछ नाम दिया है बिवेरिया बैसियाना एंटोमोफोरा देन पैली डायरोजियम एंड जुपथोरा रेडिकन्स सभी फए हैं अब ये किसके खिलाफ लड़ते हैं ये लड़ते हैं एफिड देन क्रोकालाइटा मिली बग्स माइट्स वाइट फ्लाइज एटसेट्रा सो so, बग्स माइट्स ये जो है ये सारे इंसेक्ट्स है वाइट फ्लाइज अगेन इंसेक्ट्स बट इट हैविंग विंग्स इसमें विंग्स होते हैं तो ये जो फंगा है जिनका मैंने नाम लिया है ये सभी इस इंसेक्ट्स और फ्लाइज के खिलाफ वो लड़ता है और होस्ट प्लांट को वो बचा के रखता है वैसे प्रोटोजोआ दिया है प्रोटोजुआ में क्या दिया है नोसेमा लोकिसी जो ग्रॉस होपर कैटरपिलर और क्रिकेट्स के खिलाफ लड़ता है और प्लांट्स में किसी तरह के डिजीज होने से ये प्रोटोजोआ प्लांट्स को बचाता है द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज वायरस वायरस में आएगा न्यूक्लियो पॉलीहेड रो वायरस एंड ग्रैनुलो वायरस सो ये जो वायरस है इट विल एक्ट अगेंस्ट कैटरपिलर्स, जिप्सी मोथ, कैटर वास्प एंड बीटल्स। सो कैटरपिलर्स है या मोथ्स है वास्प है एंड बीटल्स है ये सभी के खिलाफ ये लड़ता है तो एक डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मोथ्स, माइट्स और बीटल्स में क्या डिफरेंस है एक्चुअली माइट्स एंड बीटल्स ये कई तरह के insects होते हैं इसमें। और मौत में एक्चुअली ये भी इंसेक्ट है, लेकिन इसमें विंग्स होते हैं। वी सीन रिसेंटली कि जितने भी से बैक्टीरिया फंगाई प्रोटोसुआ एंड वायरस ये सभी जो है कुछ होस्ट ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ ये लड़ते हैं और उनसे जो डिजीज से होने वाले होते हैं प्लांट्स में उससे वो बचा के रखते हैं राइट सो अभी तक जितना भी अपन ने देखा है बायो कंट्रोल एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन अभी अपन देखते हैं बायो हर्बिस आर बायो हर्बिसाइड्स बायो हर्बिसाइड्स यहां पे भी दो वर्ड्स है वन इज बायो एंड सेकंड इज हर्बिसाइड्स. बायो मतलब माइक्रोब्स जिसको अपन हर्बिसाइड्स करके यूज़ करते हैं हर्ब मतलब प्लांट्स छोटे प्लांट्स जो वीड करके उगते हैं फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे आपको पता है पैडी क्रॉप्स होते हैं राइट वीट है मेज right? ग्रेन्स की जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फील्ड होता है उसमें ये वीड्स जो है ये अनवॉन्टेड प्लांट्स करके उसमें उगते हैं और जो अपने मेन प्लांट्स होते हैं जो अपना धान्य जो खेती का अपना मेन फील्ड होता है उसमें ये वीड्स जो है जो यूजफुल प्लांट्स हैं उन यूजफुल प्लांट्स को नष्ट करते हैं सो एक्चुअली अपने को एग्रीकल्चर फील्ड में पैडी क्रॉप्स और धान्य चाहिए होता है जो मेन क्रॉप्स है अपने राइट right? लेकिन ये वीट के प्रेजेंस में वो जो पैडी क्रॉप्स मेज और वीट्स से जितना भी अपने को प्रोडक्टिविटी होना चाहिए वो प्रोडक्टिविटी नहीं होता है उसका मेन कारण है वीट्स ये वीड्स क्या करते हैं ये मेन क्रॉप से ये कॉम्पीट करते हैं लैंड को लेके, देन मिनरल्स को लेके, लाइट को लेके, एयर को लेके। सो so जब वाटर स्पेस मिनरल्स एंड लाइट और एयर को लेके जब ये लड़ते हैं सो so कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो वीड्स ले, ले लेते हैं जो कि मेन प्लांट्स को पोसना चाहिए राइट right? और ये क्या करते हैं ये ये कोलेट्रल होस्ट करके भी काम करते हैं कोलेटल का मतलब वीट्स ये जो अनवांटेड प्लांट है इसके ऊपर ये कई सारे इंसेक्ट्स को ये सहारा देता है जिसके वजह से मेन प्लांट जो है उसका नष्ट होता है तो ये सब नहीं होना चाहिए इसलिए यहाँ पे बायो हर्बिसाइड्स अपन यूज़ कर सकते हैं बायो मतलब अगेन दे केम फ्रॉम द बायो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेनली माइक्रोब्स सो यहाँ पे माइक्रोब्स यूज़ करके वो जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको मारना ही अपना मेन उद्देश्य है इसलिए इन माइक्रोब्स को अपन कहते हैं हर्बिसाइड्स। सो दीज माइक्रोब्स आर एक्ट अगेंस्ट द अनवांटेड प्लांट्स एंड टू प्रोटेक्ट ओवर द मेन प्लांट्स दिस इज द मोटो बिहाइंड यूजिंग द बायो हर्बिसाइड्स साइड्स लेट लिटवी सी किस तरह के बायो हर्बिसाइड्स यूज करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स एंड देयर होस्ट है सो so इसमें क्लासिफिकेशन भी दिया है मैंने तो माइक्रोब्स में जैसे आपको पता है कि इसमें फंगाई भी आता है बैक्टीरिया भी आता है और कई सारे के इसमें इंसेक्ट्स है बायो ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन हर्बिसाइड्स करके यूज़ कर सकते हैं तो कौन कौन से फंगस जिसको अपन माइक्रो हर्बिसाइड्स करके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो फाइटोफ्थोरा पाल्मीवरा जो कि कंट्रोल करता है मिल्क वीड्स इन ऑर्चेड्स ऑर्चेड्स मतलब ये भाग होते हैं कई सारे ये वट वी कैन से ऑर्चर्ड्स जो है एक्चुअली ये फ्रूट कंटेनिंग ट्रीज होते हैं या नट कंटेनिंग ट्रीज होते हैं लेकिन इसके साथ साथ में ही आजू बाजू में कई सारे वीड्स भी उगते हैं जिसकी वजह से ऑर्चर्ड्स को ये नष्ट कर सकता है तो फंगाई माइको हर्बिसाइड्स और पाल्मी ओरा जिसको अपन यूज़ करके ये अनवांटेड वीड्स को अपन कंट्रोल uh, में कर सकते हैं और ऑर्चर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं वैसे ही और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं अल्टेनेरिया क्रैसा जो कि कंट्रोल करता है हायर सिंथ को हायर सिंथ में आपको पता है कि जैसे फ्रैग्रेंट फ्लावर्स ये उगाता है इसके स्टेम के ऊपर अगर आप देखते होंगे ब्रांचेस के ऊपर तो एक स्पाइक शेप बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं जो फ्रैगरेंस देता है राइट और ये भी एज ए वीड करके उगता है यूज़फुल प्लांट्स के साथ में सो अल्टन एरिया क्रासा ये कंट्रोल करता है वाटर हाइसेंथ को और एक एग्जाम्पल देख सकते हो फिजैरियम स्पेसिस ये भी कई सारे वीड्स को कंट्रोल करता है तो ये हो गया फंगा एज अ हर्बिसाइड्स वैसे आप देखोगे बैक्टीरियल हर्बिसाइड्स भी है कौन कौन से बैक्टीरिया है सूडोमोनास्पेसिस है जैंतोमोनास्पेसिस है एग्रो बैक्टेरियम स्पेसिस है सर so, ये कुछ बैक्टीरियल हर्बिसाइड्स है जो अनवांटेड सीड्स अनवांटेड वीड्स को कंट्रोल करते हैं और यूजफुल क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं वैसे कुछ इंसेक्ट्स भी है जिसको अपन हर्बिसाइड्स करके यूज़ कर सकते हैं सो दिस आर नथिंग बट द बायो ऑर्गेनिजम्स एक बायो ऑर्गेनिज्म दूसरे बायो ऑर्गेनिजम्स को यहां पे मारता है राइट right? यहां पे इंसेक्ट जैसे कि टायरियोमोथ है कैक्टोब्लास्टिस क्यक्तो कैक्टोरम है तो ये भी क्या करता है ये अलग अलग तरह के वीड्स को कंट्रोल करता है इनको मारता है टायरियोमोथ ये कौन से वीड को कंट्रोल करता है सिनेशियो, जैक्योबिक कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम कौन से वीड को कंट्रोल करता है इट विल कंट्रोल्स द कैक्टी राइट सो जितने भी अपन माइक्रोब्स यहाँ पे देखे हैं, ये में भी बैक्टीरियल हर्बिसाइड हो या फंगल हर्बिसाइड हो या इंसेक्टिसाइडल हर्बिसाइड हो ये सारे, सारे के सारे अपन किसके लिए यूज़ करते हैं जो भी अनवांटेड प्लांट्स जो मेन क्रॉप्स के साथ उगते हैं उन अनवांटेड वीड्स की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को मेन क्रॉप्स को बचाने के लिए इसलिए ये सारे माइक्रोब्स यूज़ करके अनवांटेड वीड्स को डिस्ट्रॉय करना होता है नष्ट करना होता है ताकि अपना मेन पैडी क्रॉप हो या जो भी यूजफुल प्लांट है उसको प्रोटेक्ट कर सके राइट So, this is all about the bio biocontrol bio control agents. Then we have we to have discussed about the classification, and thereafter, we have discussed about the bio herbicides and its classification. So, hope so you enjoyed this session. Thank you very much. And one more request to all of you don't forget to subscribe my channel that is Tirupati Biology. And thank you very much on behalf of Smart Vision Academy. I am delivering all these lectures. So, thanks a lot.